तो ऊपर वाले ने गलती कर दी, आदमी को इंक्लूड नहीं किया। अब इंसान इस गलती को सुधार रहा है यहाँ धरती पर। It's my personal opinion. मैं इस चीज पे बिलीव नहीं करता। I do not believe this. क्यों करोगे बिलीव और क्यों चाहोगे ऐसा? मर्द हो ना, कुछ करना ही नहीं चाहते। तुम चाहते ही नहीं हो कि तुम ये सब एक्सपीरियंस करो, सब औरतें ही करें। पता तो चले आदमियों को कि औरतों को क्या क्या झेलना पड़ता है। मैं तो बहुत खुश हूँ। I'm very happy. खुश हो तो लड्डू बांटो, पेड़े बांटो, नाचो गाओ, लेकिन मुझे मेरा वीडियो देखने दो, for God's sakes. हम कहाँ सोले भड़का रहे हैं, हम तो केवल गाना ही गा रहे हैं। हाँ भाभी जी, आपको देख के हमारा तन बदन में शोले भड़कने लगते हैं। क्या बोले? अबे जब भाभी जी आप में एक शोला है। क्या बोले? मैं कहा भाभी जी आप वो शोला हैं जिसके हुस्न की गर्मी से हमेश की हरारत हो जाती है। का बोलते ना, हमरे तो कछु ना ही समझ आता है, सब ऊपर से जाता है। इसीलिए तो बोलता हूँ। का बोले? हाँ मैंने कहा भाभी जी और सुनाइए क्या हाल चाल है। हाँ का सुनाए, वही पौधों में पानी दे रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, कछु ना ही। भाभी आई लव यू। का बोले? भाभी जी आई लव द वे यू वाटर द प्लांट्स, दैट्स रियली नाइस। ये मोहल्ला शरीफ लोगों का है, यहाँ पे इज्जतदार लोग रहते हैं, ये क्या बदतमीजी है? हमने कौन सी बदतमीजी कर दी तुम्हारे साथ में? हमारा आपस का झगड़ा है, पर्सनल मैटर है हमारा। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? आप तीनों ऐसी छोटी-छोटी बातों पर काहे इस तरह लड़ते हैं? अरे भाभी जी, हमारी तीनों की जो हालत चल रही है ना, अभी बाकी लिए तो 50 रुपया भी है ना, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो लौंडो कुछ काम करो। नल्ला मोर काम की बात दिला दो, काम दिला दो हमें। काम दिलाओ। अबे काम के लिए हाथ तो हिलाने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है। लेटोगे तुम्हारे मुंह को ठूस के नहीं जाएगा। अब भैया कौन ने कह दिया आपसे कि हम पेट भरने के लिए हाथ पैर नहीं मार रहे गए? कितनों काम धंधा ढूंढ रहे गए हम। और महाराज का पंचायत चल रही, कौन के ससुर रेट बढ़ाए जा रहे? आइए आइए दारोगा जी आइए, आपके लिए बहुत बढ़िया काम आया है हमारे यहाँ। अच्छा का सक्सेना जी है ना, इनके एक दोस्त हैं। हाँ। उन्होंने एक ट्रीटमेंट निकाला है, उस ट्रीटमेंट से क्या है कि मर्द भी प्रेग्नेंट हो जाते हैं। तो ससुर जो हमारे मतलब को काम थोड़ी है, जो तो तुम्हारे मतलब को है। मेरे मतलब कैसे है? जो कोई यार ऐसा है, तुम ना काम की ना काज की दुश्मन अनाज की, कभी काम धंधो तो करती ना हो, कम से कम गर्भ धारण कर लियो। ऐसा कछु नहीं है, हम रिलेटिव के भैया घुइया बहुत ही प्यार से खाते हैं। घुइया एक वाहियात सब्जी है, जो खाते हैं वही वाहियात लोग होते हैं। अच्छा, जब भी हम घुइया के पराठे बनाते हैं तब तो आप आकर सब कुछ चट कर जाते हैं। भाभी जी जब आप घुइया को हाथ लगा लेती है ना, तो घुइया घुइया नहीं रहती है, घुइया पनीर बन जाती है। क्या बात कर रहे हैं? हमरे हाथ लगाने से घुइया पनीर बन जाता है? भाभी जी आप हुस्न का वो कुंदन है जिसने हमें शुक्र आपका एक महीना दिया। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी करेला कैसे बनाएंगे आप? अब भरवा तो बनाना आ ही सकते हैं है ना, तो अपने लिए काट के ऐसे सुखाई सब्जी बना लेंगे। So sweet भाभी जी, so sweet। अबे कचड़ो करूंगा। पोते के नाम? कौन सा पोता? कहाँ है पोता? किसका पोता? तेरे बेटे के नाम। मेरे बेटे के नाम? किधर है मेरा बेटा? Where is he? तो कर ले। अरे गवर्नमेंट ने कौन सा इसमें टैक्स लगाया हुआ है बे? कोई हलवा आएगा कर ले, आपने बोल दिया बेटा हो गया। सुन, मुझे किसी भी कीमत पर पोता या पोती चाहिए, वरना तू वसीयत भूल जा। चल भाई। जा कहाँ रहे हैं आप? अरे लखनऊ जा रहा हूँ, एक मुजरा पार्टी में। चल। अच्छा अच्छा जी प्रणाम कर रहे हैं। तू बड़ी देर से जागी। क्या बोले? बता बे मैं क्या बोला। चल 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 चल। चाचा जी क्या? लंदन में टैक्सी चलाएगा। अबे हट। बहुत फायदे का सौदा है, बच्चे की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी, चाचा जी की प्रॉपर्टी मिल जाएगी। Oh my God, that's a great idea. I love myself. अरे विभू, सक्सेना जी इसे कहते हैं, उनके वो डॉक्टर है ना हर्ष संतोषी, उनके पास चलते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व्ड, यू विल बी अ मदर। बहुत मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है। हाँ तो कीजिए ना, मैं मेहनत मशक्कत। हम क्या चाहते हैं कि अनीता जी और हमरे घर ना एक साथ ही बच्चा पैदा हो। भाभी जी को बच्चों से क्या लेना देना, भाभी जी को इन चीजों से दूर रखो, समझी? काहे दूर रखें? अनीता जी को देखकर ही तो हमको भी ई ऑडियो आया है। वो आइडिया होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। एक मिनट, ये भाभी जी को देखकर तुम्हारे दिमाग में ये आइडिया कैसे आया? अक्का है कि अनीता जी भी बच्चे का प्लानिंग कर रही है। तिवारी जी आप इतना क्यों हंस रहे हैं? भाभी जी हम इस बात को लेकर प्रसन्न हैं कि बताइए विभूति जी मां बन रहे। विधि का विधान। पास करने के बाद भी वो अब तक नल्ले के नल्ले रहे, ना ही किसी कंपनी के एमडी बन पाए, ना सीईओ बन पाए, तो अब माँ बन रहे हैं। आदिया ये तो विभूति जी के लिए बहुत ही परेड का बात है। परेड तो बच्चा होने के बाद उनकी होगी, फिलहाल वो प्राउड होता है। पगली सही पकड़े हैं, कितने गर्व का बात है ना। तो पगली फिर हम भी संतान उत्पत्ति की क्रिया आरंभ करें। आइडिया क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल सच बात कर रहे हैं पगली। हम भी चाहते हैं कि तुम्हारी गोद में जो है एक नन्हा सा बालक खेले, ये घर जो है किलकारियों से गूंज उठे। तीनन को नौकरी दिलवा दियो, अब भगवान तुम्हारा भला करेगा। हमारे होने वाले बच्चे तुम्हें दुआ देंगे प्रेम भाई। मेरी होने वाली बीवी भी आपको बहुत दुआ देगी। अबे वो सालों जाओ उधर बैठो, चलो साला घिराओगे क्या, जाओ। नौकरी दे दो, नौकरी दे दो, बच्चे दुआएं देंगे ना बीवी दुआएं देगी। सालों नौकरियां क्या पेड़ पे लटकी हुई है, जो तुमने कहा दे दो और मैंने झट से तोड़कर दे दी। प्रेम भाई आपके तो 2-3 छमिया बार में पार्टनरशिप है, तो मैं चाह रहा था कि आप प्रेम भैया सही कह रहे हो। टिल्लू आपकी छमिया बार में है ना, हमें वो वेटर की नौकरी दे दो प्लीज। अरे मोरी भैया खुद नौकरी करते हैं। माँ साहब प्लीज, भाषा प्लीज आपके स्कूल में ना हमें चपरासी की नौकरी दिला दो। चपरासी की नौकरी को तुम क्या फालतू नौकरी समझते हो? उसके लिए भी तुम्हें 12वीं पास करना पड़ेगा। माँ साहब उसमें कौन सी बड़ी बात है, 12वीं पास की डिग्री तो हम यूं ले आएंगे। कहाँ से ले आएगा? हाँ स्कूल का तो कभी मुंह नहीं देखा है तुम। एक आदमी आएगा हमारी जान पहचान को, बहुत ही बढ़िया वाली डिग्री बना दो है। सरवा जी एक बात बताओ आप, जा दुनिया में ऐसे कौन से व्यक्ति है जो संस्कारशील है? गो जे बराबर हो, देखो थोपड़ा प्रेम चौधरी का। ये किस एंगल से तुम्हें संस्कारशील लग रहे हैं? ना जो आदमी बिल्कुल संस्कारी ना है। आओ आगे पूछो बालक। अब बच्चे तुम दरोगा जी, ये तो सारे इन सब के चक्कर में हमें काहे लपेट रहे हो? क्यों ना लपेटे, नौशावर खाते हो आप? हाँ तो खाते हैं सारे, ऐसी वैसी नहीं खाते। बाकी लाने क्या करो है पता, तपस्या करी है, इन्वेस्टमेंट करो है सारे। मैन ऑफ द मैच की जो ट्रॉफी है ना, हथियाना चाहते। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं प्लीज, ऑलराइट। ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा होगा तो मुझे। मुझे उपकाई आ रही है। हाँ, it's good news क्या? मेरा दिल मिचला रहा है। Oh my God, it's a good news. I'm so happy. I'm so excited. विभू हमारे घर में किलकारियाँ आने वाली है विभू। Oh my God, मेरी कोक से नहीं तो क्या हुआ? विभू की कोक भी तो मेरी कोक है। Happy. हाँ कौन आ गया? प्रणाम मम्मी जी। एक बात बता, तू हेलन मिश्रा को देखकर चीखी क्यों? मैं कहाँ चीखी? हाँ चीखी 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 थी। वो क्या हुआ ना सासू माँ, मैं आपको देख के सरप्राइज हो गई थी। सरप्राइज होने से तो खुशी निकलती है, चीखें थोड़ी निकलती हैं। हाँ मम्मी जी, मुझे तो बहुत खुशी हुई आपकी आमद से, बहुत खुशी हुई। मिश्रा की आंखें खराब हैं? अरे मेरी नजर तो इतनी तेज है कि मैं औरत की कोख में घुसकर देख सकती हूँ कि लड़का है या लड़की। कोख में झांक कर देखना लड़का है या लड़की कानूनन जुर्म होता है। तो फांसी पे चढ़वा दे मुझे। And baby, I'm pregnant, I'm pregnant, I'm pregnant. For God's sakes, I am pregnant. विभूति गर्भवती। मम्मी, why didn't you tell me? खचेड़ू, तू प्रेग्नेंट है? तो फिर तूने अपनी मम्मी की कोख से जन्म क्यों लिया? अपने पिताजी की कोख से ले लेती? नहीं हुई, क्योंकि उस जमाने में ये टेक्निक ही नहीं थी। अरे तेरी टेक्निक गई गुइया के खेत में। मेरे अच्छे खासे लड़के का क्या हाल कर दिया तूने। ओ मेरा बच्चा। और ज़्यादा शैतानी। कर हेलन मिश्रा से पूछ रहा है कि कौन है। कर हेलन, जो शोले वाली हेलन है क्या? महबूबा महबूबा महबूबा, मेरी मम्मी है ये। नमस्ते आंटी जी। अरे ठीक है, तुम बहुत अच्छे टाइम पर आए हो। तुम एक काम करो, विभू के लिए ना एक ब्लू नाइटी दे दो मुझे। तू एक काम कर, हरी वाली नाइटी दे। मेरे कचेड़े पर ग्रीन कलर बहुत अच्छा लगता है। हम कहाँ सोचे थे कि अगले 9 महीनों में हमारे घर एक नन्ना मुन्ना सा, एक छोटा सा हमारे घर में खेलेगा, लेकिन ये पंडित रामफल तो 2 साल का बहन ही लगा दिए। अब हमसे तो ये इंतजार ना ही हो सकता है, ये तो बहुत ही लंबा इंतजार है। टिल्लू भैया आइए आइए। बाबूजी प्रणाम कर रही हूँ। हाँ हाँ खुश रहिए टिल्लू भैया। कैसे बा? बस भाभी जी आपकी दुआ से जिंदा हूँ। इस बैग में क्या है? इस बैग में भाभी जी ये देखिए भाभी जी, हमारी सुसू बेबी प्रोडक्ट कंपनी 1 मिनट के बच्चे से लेकर 5 साल तक के बच्चे के लिए बड़े अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाती है भाभी जी। हाँ ये छोटे छोटे बच्चों का सामान। हाँ, ये है हमारी कंपनी का बेबी ऑयल। हाँ, इस बेबी ऑयल से हाल ही में पैदा हुए बच्चे की मालिश करें, जिससे कि उसकी हड्डियां दिन ब दिन मजबूत होती चली जाएंगी, जैसे कि फौलाद। निकाल देने की जरूरत ही है, चल भाई निकल यहाँ से। तमीज से पेश आओ सेठ जी। और सेठ जी ये घंटी ठीक करा ली, वरना कसम से कह रही हूँ गुर्दे छील दूंगा। पर क्या हुआ पगली, क्या हो गया? अरे 2 साल तो बहुत बहुत छोटा का टाइम होता है, यू चुटकियों में गुजर जाता पगली। नहीं, हमसे 2 साल ना ही होगा, इंतजार ना ही होगा, ना ही होगा। क्या कर रहे इस पगली का? अभी तुमने अपनी आंखों से देखा नीचे क्या नाटक हुआ, और कानों से सुना। यार वो उनका स्वभाव है यार, this is the way she is. How convenient. वो ना स्वभाव की आड़ में क्या क्या कह जाती हैं मुझको, क्या क्या कहती हैं। हमेशा उनको लगता है कि मुझ में कोई क्लास ही नहीं है। Baby, just calm down, just relax, okay? Take it easy. यार कब तक कब तक रहेंगी बाबा, कब तक रहेंगी? मुझे क्या पता, जब तक उनका मूड करेगा तब तक रहेंगी। ओ गॉड, अगर उनका मूड लंबे समय तक रुकने का कर गया तो? डोंट वरी, कहीं भी ज्यादा दिन टिकती नहीं है वो। देखो विभू, वो सब मुझे नहीं पता, तुम मुझे बता दो तुम्हारी मम्मी कब जाने वाली है। अच्छा बहू, अभी मुझे आए आधा घंटा भी नहीं हुआ कि पीछे पड़ी रहती है। अब क्या के वीक हो गई ना, कमजोर। अरे तो चश्मा लगवा तो लिया। चश्मा लगवा लिया। मम्मी जी, डैडी जी भी आने वाले हैं क्या? देख बहू, एक बात मेरी कान खोल के सुन ले। खजड़ू, समझा दे इसे। समझा दूंगा कि एक तो मेरे सामने उस आहुति का और दूसरे उस डेविड का कभी नाम मत लेना। अरे चिपक मत मुझसे, दूर रह। मम्मी का साइड ले रहे थे ना? This is not fair. तुम ऑफिस मत, आज से ठंडा खाना बिल्कुल ना ही खाएंगे, जो भी खाएंगे गर्मा गर्म ताजा खाना खाएंगे। हाँ ओके। एंड नंबर 2, हर दिन सुबह आधा घंटा टहलिए, दौड़िए ना ही। हाँ दौड़ना नहीं है, केवल टहलना है। उससे कहा है ना, अंदर जो नन्ना सा बच्चा है ना, उसको फ्रेश फ्रेश नाइट्रोजन मिलेगा। भाभी जी, नाइट्रोजन तो बड़ी जहरीली गैस होती है, आप शायद ऑक्सीजन कहना चाह रही हैं। सही पकड़ा है। उनको ना फ्रेश फ्रेश हवा मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ उसके बाद नंबर 3, आपको ना हर दिन दूध में केसर डालकर पीना है। उससे ना जो नन्ना मुन्ना आने वाला है ना, वो एकदम भूरा भक्क पैदा होगा। आप भी काका बात करते हैं, आधा तो हमको समझ नहीं आता है। खैर उसके बाद नंबर 4 है ना, आपको बर्तन ना ही धोने हैं, कपड़े ना ही धोने हैं, जोर जोर से सीढ़ियां ना ही चलना है। ठीक बाप? भाभी जी, इसे मुझे करना पड़ता है, नो चॉइस। नहीं, ये सब बिल्कुल ना ही करेंगे आप। कहा है ना कि इन सब बातों का ध्यान ना ही रखेंगे ना तो बच्चों पर बहुत बहुत बुरा असर पड़ेगा। ऐसे अपने आप को सर्दी में भिगाएंगे, गीला करेंगे तो बच्चे को हार्मोनिया हो सकता है। अबे जो हार्मोनिया नहीं, वो निमोनिया होता है। सही पकड़ा है। हाँ। ठीक बा, इन सब बातों का ध्यान रखिए। टांगे तोड़ के रख दूंगी। मम्मी जी, जिस मेन्यू की आपने फरमाइश की थी वो तो मैं नहीं बना सकती, क्योंकि अगर मैं वो मेन्यू बनाती तो फिर डिनर आपको सुबह के नाश्ते में मिलता। इसीलिए मैंने ये बहुत ही लजीज और बढ़िया बिरयानी बनाई है, वेज बिरयानी। नाइस अरोमा। देख रहा ना तू खचेड़ू, हेलन मिश्रा तेरे घर इतने दिन बाद आई है और तेरी बीवी इस खिचड़ी से मेरा स्वागत कर रही है। मम्मी जी, आप क्या कह रही हैं? तेरे और तेरे भाई ने मिलकर देखना तुम्हारा क्या हाल होगा। अरे तुम मुझे क्यों बीच में घसीट रही है हेलन? तू ही तो लेकर गया था ना इसके बाप को। कहाँ लेके गया था? उसी चमिया के पास। बहुत सारी थी, किसी का नाम तो बता। अरे मैं उस गुलकंदी की बात कर रही हूँ। अरे मैं गुलकंदी के पास नहीं ले गया था, मैं फौजिया के पास लेके गया था उसे। अरे तो वो फौजिया ले गई थी उसे गुलकंदी के पास। अरे एक मिनट, इसमें सारा कसूर तो तेरा ही है ना। तू मेरी बात तो सुन, एक मिनट। मैं कह रही हूँ तू चुप हो जा। एक मिनट मेरी बात सुन ले, बस एक बार सुन। सुन 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 चलना सुना। सुन 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 सुन। अरे बस कर, ब्रेक लगा ले। तू मेरी बात सुन, मैं ये कह रहा हूँ कि देख गॉड, ये तुम्हारा खानदान है कि चिड़ियाघर है? और ये क्या क्या है? ये किस तरह से बात करते? देवर और भाभी एक दूसरे को तू 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 करके बात करते हैं क्या? तकल्लुफी आपस में यार, और क्या ये बेक तकल्लुफी है। एक्चुअली क्या है कि पहले ना चाचा जी की शादी होने वाली थी मम्मी से, मेरे पापा बीच में कूद पड़े और मम्मी को लपेट लिया उन्होंने। ये पंगा आपस में दोनों का, देखे थी जरा। हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं? कि आप गर्भ धारण कर लीजिए। क्या भैया टाइप की बातें कर रही हो? हम गर्भ धारण कर ले मतलब तुम चाहती हो कि हम मां बन जाएं? सही पकड़े हैं। उनमें क्या बुराई है? जब भभूति जी बन सकते हैं तो आप नहीं बन सकते हैं का? अरे भभूति जी की तुलना तुम हमसे कर रही हो? उनके पास कुछ काम धंधा तो है नहीं। और सुनो, हम मां बन गए तो फिर हमारे बिजनेस का क्या होगा? हमने कहा कि हम ना नहीं बनेंगे तो मतलब नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, हमने कहा नहीं बनेंगे, सच्ची नहीं बनेंगे। ठीक बाप। अरे क्या पगली कहाँ जागा रही हो? सुनो मैं बात सुनो। ऐसे ही पकड़े हैं। और लेकिन अम्मा जी देखिए ना, वो तो तैयार ही नहीं हो रहे हैं गर्भधारण के लिए। कैसे नहीं माने का फोन दे, फोन दे मोबाइल को। आओ सुन रहे बेकार बैल है। जब भी माँ बनने का बात आता है तुम मर्द लोग पीछे काहे हट जाते हो रे? कब बच्चे पैदा करने का सारा ठेका हम औरतें लेके रखी हैं हैं? अरे अम्मा हमारी बात तो। अरे चुप। देखो जैसे बहुरे कह रही है ना चुपचाप वैसे करो, वरना हम हुआ आ गए ना तो बहुत कुटाई करेंगे तुम्हारा। रखो फोन। थैंक यू आंटी, खाना मिल गया। अरे पंडित रामफल का खाया। अरे रुको रुको, डॉक्टर का नाम क्या है? उसका नाम कुछ शांति भीषण जैसे कुछ नाम था यार, उसका क्या नाम था? फिपू तुम जिस डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हो उस डॉक्टर का नाम भी तुम्हें याद नहीं? दैट्स वेरी केयरलेस। डॉक्टर का नाम भी याद रखूं, फोन नंबर भी याद रखूं उसका, घर का सारा काम भी करूं, प्रेग्नेंट मैं हूं, सब कुछ मैं करूं और तुम कुछ मत करो। डोंट बी क्रैंकी। आई एम नॉट क्रैंकी, आई एम नॉट क्रैंकी। Please, I'm not. Don't you dare saying that I'm crying. I'm not crying. It's okay, it's okay. I'm not crying. ऐसा ना प्रेगनेंसी में होता है, हाँ हार्मोन्स इधर उधर हो जाते हैं, हाँ औरत इमोशनल हो जाती है। I mean तुम इमोशनल हो जाओगे, हाँ। It's okay, calm down, हाँ। Call the doctor, please. तो प्रॉब्लम क्या है? लेकिन डॉक्टर साहब ये तो टाइम से बहुत पहले हो गया ना। देखिए मैम, जैसा कि मैंने आपके हस्बैंड को एक्सप्लेन किया था, It's not a natural pregnancy. It's a hybrid treatment, right? तो ये इसमें natural pregnancy से ज़्यादा fast growth होती है, समझे आप? अच्छा, डॉक्टर साहब कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना? हाँ? अरे मैम टेंशन नहीं, बल्कि मैं तो बोलता हूँ आपको सेलिब्रेशन की तैयारियाँ शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि जल्दी आपके पति की कोख में एक नन्ना मुन्ना प्यारा प्यारा छोटा सा मेहमान दस्तक देने वाला है। I'm not cranky. I'm telling you the truth. झूठ नहीं बोल रहा, सच बोल रहा। I'm not cranky. I'm not cranky. You just trying to put me down. Calm down, calm down. तुम टिक के बैठो, मैं तुम्हारे लिए ना, मैं तुम्हारे लिए दूध लेके आती हूँ, हाँ? कहते कॉफी? अरे कॉफी नहीं पी सकते प्रेगनेंसी में, बच्चा हाइपर हो जाएगा। ओके, तुम फिर तो एक काम करो, तुम जूस ले, ऑरेंज जूस। जूस लेके आती हूँ, जूस जूस। हमें जूस लेके आते हैं। बच्चे ने लात मारना शुरू कर दी यार। क्या बात कर रहे हो? रियली? ओह माय गॉड। मतलब ये हाउ इज दिस पॉसिबल? इस दुनिया में सब पॉसिबल है। आ गई माँ। आइए आइए विभूति जी। बोले ना, उछल कूद नहीं करना है ऐसी हालत में। हटाए तो देखिए। क्यों नहीं, क्यों नहीं। हाथ दे बेटा, हाथ दे, हाथ। आइए आइए, मना किए ना आपको, उछल कूद नहीं कीजिए। देखे देखे डाइडू देखे, माँ बनने के बाद विभूति जी कैसे फ्लाइंग कर रहे हैं। और यहाँ देखिए लड्डू की भैया को, इनको माँ बनने में शर्म महसूस होता है। तो जाहिर सी बात है, शर्म महसूस होगी ना, काहे नहीं होगी। हम नहीं बनेंगे माँ बाप। इधर आ, इधर आ, इधर जी। क्या कर? अरे तेरी अच्छे बनियान का धंधा करता तब तेरे को शर्म नहीं आती, और इतना पवित्र इतना पावन काम करने में तेरे को। अब देखना मम्मी सूते ही इनको मर गए। ओवरऑल देखा जाए ना कमाल का पैकेज है। आपके ऊपर एक कहावत बहुत सही बैठती है। अरे कौन सी कहावत? बंदर लाख बूढ़ा हो जाए कुलाचे मारने नहीं छोड़ता। तू मुझे बंदर कह रहा है? बंदर होगा तू, बंदर होगा तेरा वो पंडित रामफल। देखा जब ये शेर दहाड़ता है ना तो ऐसी ही चीखें निकलती हैं सामने वाले की, समझा तू? ये होता है शेर। अरे मामले में दखलंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। कर रहा है ना मेरा लौंडा, कर रहा है। लौंडे इसकी बातें छोड़िए, तो है ही घटिया आदमी। ले लौंडे जाम पी मेरे सारे। नहीं अंकल, नो नो। क्यों? आई एम प्रेग्नेंट और बच्चे को बुरा असर पड़ेगा जाम वाम करना। आई नॉट ड्रिंक। अरे बेटा पकड़ना, अगर तू जाम पिएगा ना तो तेरा बच्चा जो है ना वो भूरे की तरह तंदुरुस्त पैदा होगा। पकड़ तंदुरुस्त हो या ना हो उसका पता नहीं, लेकिन ड्रंक जरूर पैदा होगा। अरे पकड़ no. अरे लेना यार। no, no, अरे एक तो नो भूरे जी ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं जाएंगे आज तो सारा नौटंकी हम निकालते हैं। नहीं जाएंगे। छोड़ दो, हम कह रहे हम नहीं जाएंगे। क्या हो गया? अरे अम्मा कहाँ जा रही हो? अम्मा हमने सुसू कंपनी ज्वाइन कर ली है। मतलब कि सुसू बेबी प्रोडक्ट कंपनी ज्वाइन कर ली है। वो कहा है कि बच्चों के लिए बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनाती है। तुल्ला के पास वो निप्पल है का? एक मिनट अम्मा। अम्मा पैसे, इसको पैसे हमेशा झूठ बोलकर जाता था कि मैं सत्संग में जा रहा हूँ और लेकर जाता था शमिया के यहाँ। अरे प्लीज 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 बस करो आप लोग, बस करो। बच्चे के इर्द गिर्द ऐसी बातें करो कि बच्चा डर जाएगा, बच्चा बाहर ही नहीं आएगा। आप लोग कैसी बातें करो? आई डोंट नो, होता है प्रेगनेंसी में, होता है। इट्स ओके, डोंट बी क्रैंकी। आई एम नॉट क्रैंकी। There you call me cranky. I'm not cranky. I'm just fine. I'm telling you the truth. मैं तुम्हें सच बयान कर रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। I'm not cranky. अच्छा ठीक है, okay, calm down, calm. और पूरा दिन है गो यार, एक भी प्रोडक्ट ना बिको। अबे टीका मल खान, शिकार आ रही है, तैयार हो जाओ। पकड़ लियो साले को। का चीज है कि नहीं? ऐसे रास्ता रोक रहे हो? माँ साहब जी हमारे खिलौने आ रहे हैं, ये देखो डायपर भी है। तो हमें क्यों दिखा रहे हो भाई? इसलिए क्योंकि तुम्हें हमारे प्रोडक्ट खरीदना है। अरे ये तो गुंडागर्दी है तुम्हारे। ये क्या? हाँ मैंने खरीद रखे। इजी लेडी इजी। मेरे पेट में बच्चा है जो डर जाएगा। आप लोग दिन भर नोकझोंक करते रहते हैं, क्या असर पड़ेगा? विभू देखो एक बात कान खोलकर सुन लो, मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा बस। और मेरी भी बात तू कान खोलकर सुन ले, पॉलिटिशियन बनेगा वो। ओके आई एम द पेरेंट्स ऑफ दिस चाइल्ड। माई बाप हूं मैं इसका। और ना ये पॉलिटिशियन बनेगा ना डॉक्टर बनेगा, ये प्लम्बर बनेगा। हाँ दिहाड़ी भी अच्छी मिल जाएगी। हेलो विभूति जी, हेलो अनीता जी, हेलो अंगूरी जी, हेलो हेलो भाभी जी। खुश रहो खुश रहो। ये क्या? ये कच्चा बनियान का मुंह क्यों बना हुआ है? अच्छा तो वो डॉक्टर जुड़वा का भी ट्रीटमेंट करता है? हाँ आंटी जी, हम जैसे उसको पूछे ना जुड़वा के लिए, वो फटाक से हाँ बोल दिया हमको। तो तुम क्या हमारे जुड़वा का ट्रीटमेंट करवाने गई थी? सही पकड़े हैं। और कोई ना क्योंकि भैया हम कहाँ सोचे कि बार बार बच्चा पैदा करने का क्या फायदा है, एक ठो बार में ही दूठो निकाल देते हैं। और इसके लिए ना हम डॉक्टर को 5 लाख और दे दिए और उनको बोले कि आपको कुछ ना ही बताए। गौर से देखिए शख्स को। जी हाँ, ये आपका पेट फूल गया। मेरे पास भैया एक ऐसी गोली है जिसको के खाते ही आपके अंदर की गैस रिलीज हो जाएगी। हैं, ये गोली पकड़िए और इसको चूस लीजिए, हल्के हो जाएंगे। आओ। I like it.